टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। क्रूड ऑयल की कीमत में 5% से ज्यादा की गिरावट आई है। ऑयल ट्रेडर्स को डर सता रहा है कि महंगाई को काबू में करने के लिए इंटरेस्ट रेट में जो तेज बढ़ोतरी की गई है वह कहीं मंदी को न्योता ना दे दे और इसका असर ऑयल की डिमांड पर पड़ सकता है। बता दें कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत 5.6% गिरकर $103.31 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। वहीं ब्रांड क्रूड की कीमत 5.2% गिरकर $108.62 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। बता दें कि हालिया महीनों में क्रूड ऑयल की कीमत कई साल के हाई पर पहुंच गई थी। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में तेजी इस चिंता की वजह से आई थी कि यूक्रेन वॉर की वजह से सीमित सप्लाई शायद बढ़ती डिमांड को पूरा ना कर पाए। वहीं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी कि WTI क्रूड ऑयल का हालिया उच्चतम स्तर करीब $124 प्रति बैरल है। वहीं बता दें एनर्जी कॉस्ट बढ़ने से महंगाई में तेज उछाल आया है और इन्फ्लेशन 1980 के बाद से हाई लेवल पर पहुंच गई है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंकों को बोरिंग कॉस्ट बढ़ानी पड़ी है। बढ़ती ब्याज दरों की वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में सुस्ती आने का डर बढ़ा है और क्रूड मार्केट्स में नरमी का माहौल है। वहीं एनर्जी कॉस्ट बढ़ने से महंगाई में तेज उछाल आया है और इन्फ्लेशन 1980 के बाद से हाई लेवल पर पहुंच गई है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंकों को बोरोइंग कॉस्ट बढ़ानी पड़ी है। बढ़ती ब्याज दरों की वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में सुस्ती आने का डर बढ़ा है और क्रूड मार्केट्स में नरमी का माहौल है। वहीं उम्मीद जताई गई है कि क्रूड ऑयल की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।